नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग बाबा में। मैं मनीष रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ऑनलाइन या फिर मोबाइल से अपने बस की टिकट्स बुक करवानी है, या फिर आप बस में सीट की चेकिंग कर सकते हो कि कितनी सीट अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप कर देना है UTC ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए UTC ऑनलाइन ओके गवर्नमेंट डॉट इन, इस साइट पे जाके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो खुलेगा। इस विंडो में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है UTC ऑनलाइन सर्विस, तो इस पे जाके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जो प्लान योर विजिट, इस ऑप्शन पे जाके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लान योर विजिट, उसके बाद फ्रॉम दिखाई देगा। फ्रॉम वह स्टेशन होता है जहाँ से हमें जर्नी शुरू करनी होती है। तो यहाँ पे आपने वो स्टेशन डाल देना जहाँ से आप जर्नी शुरू करोगे। फिर नेक्स्ट आता है टू। टू वह स्टेशन होता है जहाँ हमने पहुँचना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने वो स्टेशन डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेट। ये वो डेट है जिस दिन आप जर्नी करोगे। ऐसा नहीं कि आपने जर्नी करनी 26 को और टिकट बनवा लिया आपने 25 की, तो यहाँ पे भूल कर भी ये गलती ना करें। कभी कभी अधिकांश हो जाता है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो वो टिकट भी कैंसिल हो जाता है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। उसके बाद आता है बस टाइप, कि आपको किस टाइप की बस चाहिए। अगर आपका बजट है तो आप AC कीजिए, अगर आपने नेपाल जाना है तो नेपाल का भी है। अगर आपको और ज़्यादा बजट है तो वॉल्वो सुपर लग्जरी कीजिए। अगर आपका बजट लो है तो ऑर्डनरी कीजिए, या फिर आपका बजट थोड़ा मीडियम है तो इसी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑर्डनरी पे जाऊँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप जैसे ही ऊपर करोगे यहाँ पे 3 सर्विसेज फाउंड। अब ये देखिए ऑर्डनरी में 3 बस सर्विस कोड ये है, और जो फर्स्ट वाला ऊपर का टाइमिंग दे रखा है ये यहाँ से डिपार्चर का टाइम है, कि बस 5 बजे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट दे रखा है 11:59, यानी 11:59 यानी 12 बजे समथिंग आपको दिल्ली पहुँचा देगी। उसके बाद 290 दे रखा है। 290 क्या है, इसका बेस प्राइस है। फिर यहाँ पे नीचे जो सीट का निशान बना हुआ ये 45 out of 45, मतलब जो 45 सीट हैं वो 45 सीट ही हैं अभी। मतलब अगर यहाँ पे 41 out of 45 तो मतलब इसमें सिर्फ एक सीट बची हुई है, तो ये आपने जान लो। उसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है कि देहरादून से दिल्ली आप ट्रैवल कर रहे हो। उसके बाद जो सबसे नीचे दे रखा है वो क्या है, डिस्टेंस है देहरादून से दिल्ली के बीच का। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके जब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बुक नाउ कर लेना। अब बुक नाउ करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, गेस्ट यूजर। अगर आप चाहते हो कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना तो वो भी चल सकता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है उसमें क्या है, एक OTP आएगा, तो वो OTP आपने यहाँ पे डाल देनी है। और OTP डालने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना, जहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रिमेंबर दिस पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि अब आप इस साइड पे बने रहें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिमेंबर कर देना। अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ पे नेवर या नॉट नाउ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिमेंबर पे जाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये प्लीज़ सेलेक्ट नंबर्स ऑफ सीट, आपको कितनी सीटें चाहिए। आपको एक चाहिए तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, दो चाहिए तो आप दो सेलेक्ट कर सकते हो, तीन चाहिए तो तीन सेलेक्ट कर सकते हो, 4, 5, 6 जितनी चाहिए उतनी सेलेक्ट, मैक्सिमम आप 6 सीट सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम एक सेलेक्ट करेंगे, एक ही, क्योंकि हमें एक की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर कर देना इसको।
तो यहाँ पे देखिए आपको ये तो दिखाएगा आपका सर्विस इतना है फ्रॉम स्टेशन, ये पूरा दिखाई देगा टोटल फेयर कितना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सी आपको सीट चाहिए। यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, आपको जो भी सीट यहाँ पे पसंद आए वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे सीट 21 नेम, आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद आता है जेंडर, जेंडर आपने मेल फीमेल जो भी हो वो डाल देना। उसके बाद एज, एज आपकी अभी करंटली जितनी हो वो एज आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए यू आर बोर्डिंग फ्रॉम देहरादून, आप देहरादून से बोर्डिंग करो, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट है आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल में है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ग्रॉस टोटल अमाउंट है 300 रुपये। नेक्स्ट आपका क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आपने क्या कर देना है एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा पे एंड प्रोसीड, तो आपने क्या करना पे एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या है ये पूरा आपका दिखाई दे रहा है, पूरा जो आपका बोर्डिंग है 26 तारीख का है, 5 AM की है, 5 बजे की है बोर्डिंग देहरादून से, ठीक है। ये नाम है, ये सीट नंबर है, ये टोटल अमाउंट है 301 रुपये, जो क्या 1% इसमें क्या लगेगा नेट बैंकिंग का वो लगेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पे कर देना। अब आपको कोई सा भी ऑप्शन, अगर आपका डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के जरिए पे कर सकते हो, पेटीएम है तो पेटीएम के जरिए पे कर सकते हो, अगर आपका क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हो, या भीम UPI नेट बैंकिंग जो भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना, अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो डेबिट कार्ड से यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देना है। क्रेडिट कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट भी कार्ड पे लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल देनी है, और क्रेडिट कार्ड के जो पीछे 3 अंक का CVV कोड है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। वो डालने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है पे, क्योंकि मैंने वैलिड आधार कार्ड कार्ड नंबर नहीं डाल रखा, तो यहाँ पे से अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट के साथ लिंक होगा उसमें एक OTP आएगा, वो OTP आपने नेक्स्ट में डाल देना है। OTP डालने के बाद आपने क्या करना पे कर देना है, आपकी टिकट बन के कन्फर्म करके आपको मिल जाएगी, या आपके नंबर पे आ जाएगी, या फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उसमें आ जाएगी, या फिर आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो छोटा सा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना इस चीज़ का, बाकी आप नॉर्मली हर कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है, इंडिया डिजिटल हो चुका है। तो आप भी जितना मर्जी भाग दौड़ करने से अच्छा है कि पहले ही सीट बुकिंग करके रख लें, तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मैं मेरी सीट मुझे मिले ना मिले, बस मिले या नहीं मिले, आपकी जो सीट रिजर्व है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।